युद्ध के दो महीने बाद पुतिन से मिलेंगे यूएन चीफ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 26 अप्रैल को मॉस्को के दौरे पर जाएंगे गुटेरेस। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे गुटेरेस। मॉस्को दौरे के बाद कीव में जेलेंस्की से भी मिलेंगे यूएन चीफ। तो यूएन चीफ 26 तारीख को जा रहे हैं मॉस्को। देखिए, दो महीने हो गए रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। एंटोनियो गुटेरेस ट्विटर पे काफी अपील करते नजर आए इस युद्ध को रोकने को लेकर। उन्होंने शांति की कई बार अपील की, लेकिन आमने सामने की मुलाकात अब उनकी दो महीने बाद होगी, जब वो 26 तारीख को मॉस्को में होंगे। और क्या इस मुलाकात के बाद कोई फर्क पड़ेगा पुतिन के रुख में? क्या पुतिन थोड़ा नरमी बरतेंगे यूक्रेन के ऊपर, या फिर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? ये कुछ सवाल है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं यूएन जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस के इस दौरे के बारे में। क्या पुतिन कर सकते हैं, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वॉर के अपने फैसले के पक्ष में पुतिन अब तर्क पेश कर सकते हैं, क्योंकि यूएन जैसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पुतिन भी चाहेंगे कि वहां उनके लिए भी कुछ गेन हो, टेक अवेज हो। यूक्रेन में पश्चिम की दखल का मुद्दा उठा सकते हैं पुतिन गुटेरेस के सामने। रूस की रक्षा का हवाला देकर इस हमले को सही ठहरा सकते हैं, उचित ठहरा सकते हैं। नेटो के पूर्व की ओर विस्तार रोकने की मांग रख सकते हैं और यूक्रेन में कथित तौर पर मिली बायोलैब्स का मुद्दा भी उठा सकते हैं। यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट बनाने की जरूरत पर जोर दे सकते हैं पुतिन, और रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो इस मीटिंग में पुतिन की तरफ से कुछ चीजें वो की जा सकती हैं। लेकिन गुटेरेस का क्या यहां पर रुख होगा, गुटेरेस क्या बातें करेंगे पुतिन से? और क्योंकि उनका अगर ये लक्ष्य है कि इस युद्ध को रोका जाए, तो उनके हाथ में कोई ऐसी नेगोशिएशन पावर है जिससे वो पुतिन को कन्विंस कर सके, ये देखना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।